हेलो दोस्तों, स्वागत है फ्रेंड्स आसाम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों फिर से एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। जी हां दोस्तों, कुछ ही दिन पहले जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा एबाउट विस्टोरियम कुछ इसके बारे में। जी हां दोस्तों, जो कि शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, जी हां दोस्तों, जो कि बंद था ड्यू टू कोविड-19 की वजह से, जो कि गुवाहाटी और नाहरलगुन के बीच में चलने वाला जो कि शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन था। और साथ ही दोस्तों आप लोगों को जैसे कि मालूम है तिनसुकिया और नाहरलगुन के बीच में चलने वाला जो कि पहला इंटरसिटी एक्सप्रेस वाया बोगीबील होके जैसे कि ओपनिंग किया गया था श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो वही ट्रेन फिर से बंद हो गया था ड्यू टू कोविड-19 के वजह से। बट फिर से वो ट्रेन सर्विस रिजम्पशन हो गया है, बट एक नया अवतार के साथ वो रिजम्पशन हो गया है। दोनों ट्रेन सर्विस, एक है फ्रॉम गुवाहाटी और नाहरलगुन के बीच में चलने वाला शताब्दी एक्सप्रेस, और साथ ही एक है इंटरसिटी एक्सप्रेस जो कि फिर से रिजम्पशन हो गया है विथ विस्टाडोम कोचेस के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बहुत लोगों को आप लोगों को शायद अभी तक मालूम चल गया होगा, बट मैं फिर भी बोलना चाहता हूँ मेरे चैनल में ये वीडियो नहीं आया था, हालांकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने वीडियो नहीं दे पाया था, बट फिर से ये जो कि एक नया अपडेट लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इन डिटेल में बात करेंगे जो कि स्टॉपेजेस और साथ ही डिपार्चर टाइमिंग्स के बारे में, साथ ही विस्टाडोम कोचेस इस ट्रेन में कितना इंस्टॉल किया गया है, तो इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो पहली बार के लिए अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं आप लोग तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप लोग अगर अच्छा लगा तो दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों ऑन स्क्रीन भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करूंगा दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इस ट्रेन के बारे में मैं बोलने जा रहा हूं शताब्दी एक्सप्रेस जो कि गुवाहाटी और नाहरलगुन के बीच में चलने वाला है। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, तो ये ऑलरेडी चल रहा है अभी फिलहाल इस रूट में। तो कौन से डेज में चलता है और साथ ही कौन से दिन से ऑपरेशनल हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ में लिखा गया है द ट्रेन नंबर 02088 गुवाहाटी टू नाहरलगुन शताब्दी इनोग्रेल स्पेशल विल स्टार्ट फ्रॉम गुवाहाटी ऑन 19/12/2021, यानी 19 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और साथ ही जो कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, विथ विस्टाडोम कोचेस के साथ ये चलाया जाएगा। तो इसका ट्रेन नंबर जैसे कि आप लोगों को मैंने बोली थी 02088 फ्रॉम गुवाहाटी से नाहरलगुन के बीच में चलने वाला। तो इसका डिपार्चर और साथ ही स्टॉपेजेस आप लोग देख सकते हैं। तो गुवाहाटी से इसका जो कि डिपार्चर होता है, तो उसके बाद रंगिया जंक्शन में रुकता है, उसके बाद टंगला, उदलगुड़ी, न्यू मिसामारी, रंगापारा नॉर्थ, विश्वनाथ चारियाली, उसके बाद हरमोटी, और उसके बाद जो कि डेस्टिनेशन स्टॉपेजेस का नाहरलगुन। तो नाहरलगुन पहुंचता है 17 यानी शाम को 5 बजे ये पहुंच जाता है एट नाहरलगुन रेलवे स्टेशन। तो गुवाहाटी से मॉर्निंग 11 o'clock दोस्तों 11 बजे 11 sharp को ये छोड़ देता है फ्रॉम गुवाहाटी, और उसके बाद शाम को आगे पहुंचता है नाहरलगुन 17 यानी शाम को 5 बजे पहुंच जाता है। तो दोस्तों नाहरलगुन से इसका आप लोग देख सकते हैं, नाहरलगुन से इसका ट्रेन नंबर है 12087। तो ये नाहरलगुन से जो कि ये ट्राई वीकली बेसिस में चलने वाला ट्रेन है, तो मंडे ट्यूजडे एंड फ्राइडे को ऑपरेट होता है फ्रॉम नाहरलगुन से, और गुवाहाटी से इसका ऑपरेशनल जो कि होता है तो मंडे थर्सडे एंड संडे को ऑपरेशनल होता है फ्रॉम गुवाहाटी से। तो आप लोग को मैं ऑन स्क्रीन भी अच्छे से दिखाने के लिए कोशिश करूँ, आप लोग देख लीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिए। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नाहरलगुन से इसका जो कि जो डेज में ये डिपार्ट होता है, तो डिपार्चर टाइमिंग देख सकते हैं 6:45 मॉर्निंग 6:45 यानी 6:45 में फ्रॉम नाहरलगुन से इसका डिपार्चर होता है। और उसके बाद हरमोती पहुंचता है 7:05 में, उसका 2 मिनट होल्ड होता है 7:07 पर ये छोड़ देता है, यानी 7:07 पर हरमोती से डिपार्ट होता है। और उसके बाद विश्वनाथ चारियाली, रंगापारा नॉर्थ, जैसे कि आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ अच्छे से देख लीजिए डिपार्चर टाइमिंग्स। तो उदलगुड़ी, न्यू मिसामारी, उदलगुड़ी, टंगला, रंगिया जंक्शन, और उसके बाद गुवाहाटी पहुंचता है दोपहर को यानी आफ्टरनून को 12:30। जी हाँ दोस्तों 12:30 में ये पहुंच जाता है गुवाहाटी। तो यही है छोटा सा अपडेट है। तो दोस्तों अभी आता है जो कि सेकंड ट्रेन, जो कि एक इंटरसिटी ट्रेन है जो कि विस्टाडोम कोचेस के साथ ही इसको फिर से इंस्टॉल किया गया है और रिजम्पशन भी कर दिया गया है। तो ये ट्रेन नंबर है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं तिनसुकिया और नाहरलगुन, या नाहरलगुन और तिनसुकिया के बीच में चलने वाला जो कि इंटरसिटी एक्सप्रेस था, तो वही विस्टाडोम कोचेस के साथ इंट्रोड्यूस किया है। तो इसका नाहरलगुन से ट्रेन नंबर होने वाला आप लोग देख सकते हैं 05908, और उसके बाद जो कि फ्लैग ऑफ किया गया है श्रीमती दर्शन जरदोश के द्वारा, ये जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ रेलवे के तरफ से इन्होंने ये ट्रेन इनोग्रेट किया था। तो दोस्तों मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ ऑन स्क्रीन, अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। तो 19 तारीख से इसका भी ऑपरेशनल स्टार्ट हो गया ऑपरेशन। तो दोस्तों नाहरलगुन तो तीनसुकिया तो नाहरलगुन, तो तीनसुकिया से इसका मैं बोल लेता हूँ पहले। तो रेगुलर रन आप लोग देख सकते हैं 15907 फ्रॉम तीनसुकिया इसका ट्रेन नंबर होने वाला है, और एक्सेप्ट मंडे एंड थर्सडे सभी दिनों में ये चलता है फ्रॉम तिनसुकिया। जी हाँ दोस्तों, तो 21 दिसंबर से तिनसुकिया से इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, तो तिनसुकिया से 16। तो दोस्तों इसका शाम को जो कि 4 बजे इसका डिपार्चर होता है फ्रॉम तिनसुकिया, और उसके बाद न्यू तिनसुकिया, डिब्रुगढ़, धेमाजी, बरदोलनी, गोगामुख, भोगी नदी, नॉर्थ लखीमपुर, हरमोती, और उसके बाद नाहरलगुन पहुंचता है। तो स्टॉपेजेस आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। तो 4:06 में यानी 16:06 में तो न्यू तिनसुकिया इसका अराइवल होता है, और उसके बाद सिर्फ
जो कि 5 मिनट्स का होल्ड होता है, तो 16:11 यानी 4:11 में न्यू तिनसुकिया से इसका डिपार्चर होता है। तो इस लाइन में जो कि अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग्स है अकॉर्डिंग टू स्टॉपेजेस आप लोग देख लीजिए अच्छे से, तो नाहरलगुन आके पहुंचता है 21:45 यानी दोस्तों 9:45 में रात को ये पहुंचता है नाहरलगुन। तो नाहरलगुन से फिर जो कि इसका जो कि डेज है एक्चुअली, तो नाहरलगुन से एक्सेप्ट ट्यूजडे एंड फ्राइडे, अच्छे से आप लोग सुन लीजिए, ट्यूजडे एंड फ्राइडे को छोड़कर सभी दिनों में चलता है ये ट्रेन सर्विस। मंगलवार और शुक्रवार को नहीं चलता है फ्रॉम नाहरलगुन, बाकी सभी दिनों में ये चलता है फ्रॉम नाहरलगुन से। तो दोस्तों नाहरलगुन से जो जो दिन में चलता है तो उन दिनों में कौन से टाइम पर ये डिपार्ट होता है आप लोग देख सकते हैं, मॉर्निंग 5:30, तो जो कि सुबह 5:30 यानी 5:30 में इसका डिपार्चर होता है फ्रॉम नाहरलगुन टू तिनसुकिया के लिए। तो नाहरलगुन से इसका ट्रेन नंबर है जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बोल दिया था 15908, तो 15908 फ्रॉम नाहरलगुन से इसका ट्रेन नंबर होने वाला है विद विस्टाडोम कोचेस के साथ ये ट्रेन चलाया गया है दोस्तों, और इसको भी आप लोग बोल सकते हैं विस्टाडोम एक्सप्रेस भी आप लोग बोल सकते हैं अभी फिलहाल। तो दोस्तों यही एक छोटा सा अपडेट अबाउट विस्टाडोम कोचेस के साथ चलाने वाला जो भी ट्रेन है, तो यही एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहे आप लोगों को। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।